ये रात के चावल थोड़े से रह गए थे, तो अब मैं बनाने वाली हूँ लेमन राइस। तो आइए देखते हैं कि लेफ्ट ओवर राइस से लेमन राइस कैसे बनाया जाता है। इनफैक्ट लेफ्ट ओवर राइस से कर्ड राइस भी बहुत अच्छे बनते हैं, और जब मेरी मम्मा बनाती थी तो कर्ड राइस भैया के फेवरेट होते थे और लेमन राइस मेरे, तो हमेशा कश्मकश में होती थी वो कि आज क्या बनाऊं। मतलब कर्ड राइस बनेगा तो ये चिल्लाएगी, वो बनेगा तो भैया बोलेगा, तो चिल्लाएगी मतलब इन द सेंस कि पंगे लेती हूँ फिर मम्मा, हाँ हाँ भैया की पसंद का ही बनाओगे, आप क्यों बनाओगे मेरी पसंद का। बट एनी वे, आधा प्याज मैंने ले लिया है क्योंकि चावल भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, एक इंसान के लिए बन पाएगा। हम लोग कीचू और मैं नाश्ता कर चुके हैं, अब अर्जुना की बारी है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ही क्वांटिटी बनाना है। ये हमने थोड़ी सी मिर्ची ले ली है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है बस। इसके अलावा अब सिर्फ सूखे मसाले और कड़ी पत्ता चाहिए और नींबू। तो लेट्स बिगिन। 1 टेबल स्पून ऑयल मैं यूज़ करती हूँ सनफ्लावर ऑयल, तो हमने ले लिया है 1 चम्मच सनफ्लावर ऑयल। तो ये है अनसॉल्टेड पीनट्स, फटाफट ये पीनट्स को हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट हो चुके हैं तो इसको अब मैं निकाल लूँगी। कुछ लोग जब इसमें पीनट्स डालते हैं साथ में थोड़े काजू भी डालते हैं क्योंकि उनको पसंद आता है, बट ना अर्चना को ना मुझे इसका टेस्ट पसंद है चावल के अंदर, तो हम सिर्फ पीनट्स ही डालते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सरसों करीब करीब 1 चम्मच छोटा, फ्रेश कड़ी पत्ता इसको अब थोड़ा सा तोड़ के, इसी स्टेज पे मैं प्याज और मिर्ची भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, ये एक्चुअल में 5 मिनट रेसिपी है। अब हमने डाल दिया है टर्मरिक, अब ये जो पीनट्स मैंने किए थे ये वापस मैं इनमें डाल देती हूँ। एंड द सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट टू गो इन इज द राइस, रात का जो चावल है उसको मैं हाथ से तोड़ तोड़ के अच्छे से इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से स्टर करेंगे और अगर कोई लम्स है तो उनको तोड़ देंगे। ये जो लेमन राइस और कर्ड राइस है ये यूजुअली हम पुराने चावल से ही बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं फ्रेश चावल को इतना घुमाऊंगी इसके अंदर और वो गरम गरम होंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये जो रात वाले चावल होते हैं एकदम फर्म हो जाते हैं और ऑब्वियसली एकदम कड़क भी नहीं चाहिए आपको, तो एकदम ठीक रहते हैं मतलब लेमन राइस और कर्ड राइस के अंदर, सो दैट इवन इफ यू मिक्स दे डू नॉट ब्रेक। बाय द वे मैंने कहा था सेकेंड लास्ट इन्ग्रीडियंट है चावल, जो कि नहीं है, मुझे याद आया कि मेन इन्ग्रीडियंट एकदम एंड में डलता है, बट उससे पहले दिस इज कोरिएंडर मैं इसमें डालूंगी एक फ्रेशनेस के लिए, और फिर हम गैस बंद करके इसमें लास्ट और फाइनल स्टेज पे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है नींबू, बिकॉज दिस इज लेमन राइस, तो वो हम गैस बंद करके डालेंगे। तो पहले इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ धो के। गैस मैंने बंद कर दिया और अब फाइनल स्टेज पे मैं डालूंगी नींबू। अगर आप 2 लोगों के लिए राइस बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे राइस है, तो आप आधा नींबू इसमें निचोड़ सकते हैं। अभी जो मैंने लिया था उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत रस निकला हुआ था, तो आधे से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर निचोड़ा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं अच्छा लगता है और बहुत फ्लेवर ही ना आए वो भी नहीं अच्छा लगता, सो वो आप खुद गेज कर सकते हैं। लेमन राइस इज़ रेडी इन जस्ट 5 मिनट्स।
अगर सारी चीजें आपके उस कटी हुई फटाफट बन जाता है ये. सो डू ट्राई इट आउट, क्योंकि चावल यूजुअली बच ही जाते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते हैं साथ में, तो अगले दिन उसका ये बना के जरूर देखिएगा एंड आई एम श्योर यू गोना लव द टेस्ट. बाय द वे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूले एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाजवाब. बढ़िया. तुम्हें वैसे भी साउथ इंडियन स्टाइल की चीजें बहुत अच्छी लगती है. मैं पिछले जन्म में साउथ इंडियन था. फॉरेन चटनी बनाई थी ना. हाँ.